राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में थी। इस दौरान राहुल गांधी ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचकर यहां छात्राओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में महिलाओं से शिक्षा, हक और अभिव्यक्ति जैसे मुद्दों पर छात्राओं से बातचीत की। राहुल गांधी ने जो जवाब दिया, अब लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। दरअसल एक छात्रा ने राहुल गांधी से पूछा, अगर वो भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, ऐसे में महिलाओं के हिजाब पहनने को लेकर उनकी राय क्या है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मानना है कि महिलाएं जो भी पहनना चाहती हैं, वो पहनने का पूरा अधिकार उन्हें है। ये पूरी तरह से महिलाओं पर निर्भर करता है कि वो क्या पहनना चाहती हैं। राहुल ने कहा, मेरी राय है कि महिलाएं क्या पहनती हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। उन्हें क्या पहनना है या क्या नहीं पहनना है, ये उनका फैसला है। मुझे नहीं लगता किसी और को ये तय करना चाहिए कि आप क्या पहनेंगे। इस दौरान राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, राजनीति और बिजनेस से महिलाओं का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से नहीं दिखता है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा महिला उम्मीदवारों को मौका दें, पार्टियां महिलाओं को प्रोत्साहित करें। हमारे देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से महिलाओं को जोड़ना होगा। राहुल गांधी ने कहा, हमने देखा है कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं की फिर भी राजनीति में मौजूदगी दिखती है। वो प्रधान या पार्षद के स्तर तक पहुंच जाती हैं, लेकिन इससे ऊपर जब विधायक या सांसद की बात आती है तो महिलाएं बेहद कम नजर आती हैं। ऐसे में महिलाओं को प्रोत्साहित करना होगा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक छात्रा ने असम में NRC को लेकर भी राहुल गांधी से सवाल किया। इस पर राहुल ने कहा, बीजेपी देश में कानूनों को हथियार बनाकर उनका इस्तेमाल कर रही है। वो भेदभाव की राजनीति कर रही है और इससे किसी का भला नहीं होना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।